हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है भाई एक लड़की के दिमाग को समझना। अब वो क्या सोच रही है भाई, इसका पता लगाना देखिए बेहद ही मुश्किल है। जैसे कि हम लड़के तो बस भाई एक नया शॉर्ट देख कर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन लड़की को मनाने के लिए बॉस पापड़ बेलने पड़ते हैं और उसके बाद भी उनके नखरे खत्म नहीं होते। और कई लोग लड़कियों के दिमाग में क्या चलता रहता है ये जानने की कोशिश भी करते हैं। भाई देखिए, एक महाशय ने तो पूरी किताब ही लिख दी थी इस पर कि महिला के दिमाग में आखिर क्या चलता है। और आपको पता है उस बुक के अंदर क्या लिखा था? दरअसल बॉस, वो पूरी बुक खाली थी। जी हाँ, बिल्कुल ब्लैंक। लेकिन हम आपके संग भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और लड़कियों की 10 ऐसी सीक्रेट बात आपको बताएंगे जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो इन बातों को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपकी हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 10 के साथ। नंबर 10, वही जब लड़की को प्यार हो जाता है तो उसको वो सभी चीजें अच्छी लगने लगती हैं जो लड़की को पहले अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड को वो पसंद होती हैं। इसके अलावा लड़कियां जब प्यार में होती हैं तो वो अपने कामों को भी भूलने लगती हैं। वैसे सब देखिए फिल्मी कहानी जैसा लगता है दोस्तों, यानी कि आपको लग रहा होगा भाई ये सब तो यार फिल्मों में होता है, लेकिन भाई हम आपको बताते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। जी हाँ, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि प्यार में गिरने के बाद लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड की चीजें अच्छी लगने लगती है। जैसे कि अगर आपको सुबह उठकर जिम जाना पसंद है तो वो भी सुबह जल्दी उठना शुरू कर देती हैं। नंबर 9, दोस्तों अगर कोई लड़की आपकी ड्रीम्स को यानी कि आपके सपने को बहुत ही ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करती है, यानी कि वो आपको ऐसा बताती है कि आपका सपना उसका सपना है, तो इसके देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि बॉस वो आपको प्यार करती है। और एक बार प्यार करने के बाद वैसे तो लड़कियां बताती हैं कि मुझे आपके परिवार से या पर देखो इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा लड़की आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती है कि आखिर में आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं और आपका कोई भाई बहन है या नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो हम कभी भी अपने पार्टनर के संग पहले शेयर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपना रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है तो आपको पहले इन सब बातों के बारे में अच्छे से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों को जानने में उत्सुकता होती है कि आखिर आपके परिवार में कौन कौन रहता है। नंबर 8, दोस्तों अगर आपकी भी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है तो आपको पता ही होगा कि वो हमेशा कहती है कि इस रिलेशनशिप के बारे में देखो किसी को बताना नहीं, हम दोनों के बीच की बात है। भाइयों, लड़कियां हमेशा अपने रिलेशनशिप स्टेटस को सीक्रेट रखना चाहती हैं। वो किसी को भी ये नहीं बताना चाहती कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है, जी हाँ, जिसे वो प्यार करती है। दरअसल देखिए, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर सब लड़कों को पता चल जाएगा कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड है तो फिर बाकी लड़के उस लड़की को जरा कम भाव देने लगेंगे, जो कि लड़कियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि आपके फ्रेंड सर्कल में उस लड़की का भाई भी हो सकता है, और हो सकता है कि भी जो बात है वो उसके घर परिवार तक चली जाए। इसके बाद आप जानती है, बात अगर चली गई तो बॉस कुटना तो तय है, लेकिन ऐसा देखिए कभी कभार ही होता है। ज्यादातर लड़कियां अपने रिलेशनशिप को सिर्फ इसीलिए छुपाना चाहती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि बाकी लड़कों का जो अटेंशन है उसके ऊपर से कम हो जाए, क्योंकि ये बस लड़कियों की बात नहीं है बल्कि हर एक इंसान को देखिए अटेंशन में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 7, दोस्तों जेलसी एक ह्यूमन इमोशन है। आज के टाइम में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन जलन तो भाई होनी ही है, खासकर अगर सामने वाले के पास आपसे कई गुना ज्यादा अच्छी चीज है तो। और इसीलिए दोस्तों, एक लड़की कभी भी नहीं चाहती कि उसकी बेस्ट फ्रेंड या उसके किसी भी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा खूबसूरत दिखता हो या फिर वो ज्यादा अच्छा लगता हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो लड़की उनका ब्रेकअप करवाने की कोशिश करती है या फिर खुद के लिए और भी ज्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढती है ताकि वो अपने दोस्तों को जला सके। और इस चक्कर में हम लड़कों का भाई ब्रेकअप हो जाता है, दिल विल टूट जाता है, अरे मजनू बन के घूमने लगते हैं हम लोग। इसलिए देखिए भाई, मैं तो बस आपको एक ही टिप दूंगा कि हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को अपना दोस्त बना के रखो ताकि वो आपका आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने ही ना दे। इससे देखिए आपको बहुत फायदा होगा और आपके रिलेशनशिप को भी बहुत फायदा होगा। वैसे आप मुझे नीचे बताइए कि आप एक लड़की में सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, यानी कि लड़कियों में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखे। नंबर 6, दोस्तों लड़की कभी भी ना बोलना प्रेफर नहीं करती है, यानी कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है कि भाई हम तुमसे प्यार करते हैं और लड़की को अगर वो लड़का पसंद नहीं होता तो वो उसे डायरेक्ट मना नहीं करती है, बल्कि वो उसे इग्नोर करने लगती है, उसकी बातों पर कम ध्यान देने लगती है, उससे बातें करना बंद कर देती है और जब भी कभी वो आता है तो वहां से दूर जाने की कोशिश करती है। देखिए, वो ऐसा इसलिए करती है ताकि लड़का उसे और भी ज्यादा भाव दे। जी हाँ, अगर कोई लड़की लड़के को डायरेक्ट मना कर देगी कि यार मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है तो लड़का क्या करेगा, वो बार बार उसके पीछे नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर लड़की बस उसे इग्नोर करे तो लड़का उसके आगे पीछे मतलब भाई घूमता ही रहता है, जैसे गुड़ के आगे पीछे मक्खी घूमती है। और कई बार ऐसी कई लड़कियां भी होती हैं जो इन चीजों का दोस्तों फायदा भी उठाती हैं। और आमतौर पर कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती और लड़के को आजाद कर देती है, लेकिन चालू लड़कियां तो भैया बांध के रखती है कि लौंडा कहीं जाना नहीं चाहिए। ये लड़कियों का बॉस एक डार्क सीक्रेट है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनकी चाल में फंस जाते हैं। देखिए, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चालू लोग हर कैटेगरी में होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की।
लेकिन फिलहाल आज की वीडियो भाई लड़कियों पर है, तो इस चीज पे हम बात कर रहे हैं। नंबर 5, अक्सर लड़के लड़कियों को लाइन मारते हैं दोस्तों और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, यार कैसे भी करके मुझसे पट जाए। देखिए आपकी भी कभी ना कभी यार कोई ना कोई क्रश तो रही होगी, हो सकता है कि वो आपकी क्लास की हो या फिर आपकी बिल्डिंग की हो, और आपको ऐसा लगता हो कि यार उसे तो पता ही नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसी सब चीजें लड़कियां बड़ी आसानी से समझ जाती है, आप कह सकते हैं कि ये उनकी सुपर पावर है। कई बार लोगों को लगता है कि वो लड़कियों को लाइन मार रहे हैं और लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन असलियत में लड़की को सारी बातें अच्छी से समझ आती हैं, लेकिन वो बस इग्नोर करती है। और रही बात क्रश की, तो जैसे ही आपको कोई लड़की पसंद आती है तो उसके 3-4 दिनों के बाद ही उस लड़की को भी पता चल जाता है कि ये लड़का यार मुझसे प्यार करता है और मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बॉस अगर आप अपने आप को डेढ़ छाना समझ रहे हैं ना, तो हम आपको बता दें आप बिल्कुल गलत हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में जरूर रखिए। नंबर 4, दोस्तों लड़कियों के अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी फैक्टर होता है, इसलिए वो हमेशा ये चेक करती रहती हैं कि कहीं उसके बॉयफ्रेंड का प्यार उसके लिए कम तो नहीं हो गया। ऐसा करने के लिए कई बार वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाती हैं, वो उसे इग्नोर करने लगती हैं, उसे बात करना बंद कर देती हैं, और साथ में दोस्तों कई बार जानबूझकर और लड़कों के संग वो खड़ी होती हैं, उनसे बातें मिलाती हैं, जी हाँ, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को जला सके। ऐसा देखिए वो इसलिए करती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि आखिर जो उनका बॉयफ्रेंड है उससे प्यार करता भी है बॉस की नहीं करता है। साथ में वो ये भी देखना चाहती है कि आखिर उसके बॉयफ्रेंड का रिएक्शन कैसा होगा जब वो ऐसा करेंगी, उसे जलाएंगी। इसलिए लड़कियां ऐसा करती हैं। हम आपको बता दें कि लड़कियों की इसी आदत की वजह से हर साल कई ब्रेकअप्स हो जाते हैं दोस्तों, और कई लड़कों के बेचारों के दिल भी टूट जाते हैं, दिल के अरमा मतलब आंसुओं में बह जाते हैं, और उसके बाद डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये सब चीजें काफी ज्यादा आम है। इसलिए अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है यार, ऐसा आप कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के संग ना करें जो आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी बातें उसके दिल के अंदर चुभ भी सकती हैं और कई बार ब्रेकअप इसी की वजह से होता है। नंबर 3, दोस्तों अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या किसी लड़की को आप देखिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज्यादातर लड़के बॉस यहीं पे गलती कर जाते हैं। दरअसल कई बार जब आप उनकी तारीफ करते हैं तो उनकी बॉडी की करते होंगे, उनके कपड़ों की करते होंगे, उनकी लुक्स की करते होंगे, लेकिन नहीं, लड़कियों को पसंद है कि कोई उनकी इनर ब्यूटी की तारीफ करे, कोई उनकी इंटेलिजेंस की तारीफ करे कि यार तुम बहुत स्मार्ट हो। क्योंकि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा स्मार्ट फील कराएंगे तो वो आपके संग रहना पसंद करेगी। आप खुद पे लेके सोचिए भाई, आपके पास दो जगहें हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुद को जीरो फील करते हैं और एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लोग हीरो फील कराते हैं, तो आप बताओ ना मतलब कहाँ जाना आप पसंद करेंगे। ऑब्वियसली यार आप वहाँ जाएंगे जहाँ पे आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जहाँ पे आपको स्मार्ट समझा जा रहा है, हीरो समझा जा रहा है, राइट। तो यही चीज लड़कियों के संग है, आप उन्हें बताओ कि यार वो जो है वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, यकीन मानिए वो आपके संग हमेशा रहना पसंद करेगी। इसके बाद नंबर 2, दोस्तों अगर हम लड़कियों के बीच जेलस ना होने की एक्टिंग करते हैं, यानी कि हम ऐसे बताते हैं कि यार हमें भी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज से हमें कोई जलन नहीं होती है, तो देखिए यहाँ पे ये घाटे का सौदा हो सकता है। जी हाँ, कई बार लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील करवाना पसंद करती है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ट्रू। इसी लड़कियों को ऐसा लगता है भाई जो उनका बॉयफ्रेंड है उन्हें अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत परवाह करता है, एंड इसलिए वो अभी भी जेलस फील कर रहा है। और यही करने के लिए कई बार लड़कियां आपको ऐसी बातें बोलेंगी, ऐसी ऐसी चीजें आपके संग करेंगी, मतलब आप यार बहुत ज्यादा जेलस फील करने लग जाएंगे। जैसे कि हो सकता है वो आपसे बोले, यार मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना यार, वो बड़ा अच्छा था, वो बहुत स्मार्ट था, वो ऐसे करता था, वो वैसे करता था, ताकि वो आपको बॉस जेलस फील करवा सके। आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से यार उनके मन को यार शांति वांति मिलती है, और अगर आप जेलस होंगे तो वो और भी ज्यादा खुश होती है। जी हाँ, ये फैक्ट है, उन्हें ऐसा लगता है भाई जो मेरा बॉयफ्रेंड अभी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसलिए देखिए कभी कभार आपको जेलस हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप छोटी छोटी बात पे जलने लग जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपका फायदा उठाने की कोशिश करे, जी हाँ, बात बात पे आपको जेलस फील करवाए। सो ऐसा नहीं करना है, वरना इसके बाद ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाएगा बरकरार हमें नहीं पता। नंबर 1, लड़कियों के आखिरी सीक्रेट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे देखिए ब्रेकअप के बाद लड़कियां कहती हैं कि यार उन्हें बॉयफ्रेंड की याद नहीं आती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है आपकी गर्लफ्रेंड के संग, अगर आपको लगता है कि वो आप पे ध्यान नहीं दे रही है तो नहीं, आप गलत है। हो सकता है कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करती हो सकता है वो इस तरह से आपको देखती रहती हो कि आपको पता भी ना चलता हो, और अगर उसे ऐसा लगता है यार ब्रेकअप के बाद ये बंदा तो बहुत खुश है, बहुत स्मार्ट हो गया है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं लड़की का झुकाव जो है वो आपकी तरफ फिर से होने लगता है, और हो सकता है इसके बाद वो आपको फिर से प्रपोज भी कर दे। इसलिए दोस्तों अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप खुश रहें, हैप्पी रहें, बस थोड़ा सा आप सैड पोस्ट भी डाल दें, क्योंकि वो आपको चेक करेगी, हो सकता है आपके सैड पोस्ट देख के उससे भाई अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो आपको माफ कर दे, या आपके बीच का जो भी झगड़ा था वो खत्म हो जाए और आपका रिश्ता फिर से एक खुशहाल रिश्ता बन सके। इसलिए इन बातों को याद रखिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।